अय्यर के 5 सेकंड के इस रॉकेट थ्रो ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का कर दिया खेल खत्म। चीते से फुर्ती अर्जुन से अचूक निशाना श्रेयस अय्यर का रॉकेट थ्रो सब देखते रह गए। अय्यर के थ्रो के आगे जडेजा भी हो गए फेल। कप्तान रोहित की आंखें भी फटी की फटी रह गई। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच में कड़ा मुकाबला जारी था। 399 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड चौथे दिन 6 विकेट गंवा चुका था, मगर इंग्लिश कप्तान और टीम के सबसे बड़े धुरंधर बल्लेबाज बेन स्टोक्स क्रीज पर डटे थे। भारत को अगर ये मैच जीतकर सीरीज में वापसी करनी थी तो हर हाल में बेन स्टोक्स को आउट करना जरूरी था। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा एक के बाद एक अपने सारे हथियार आजमाने लगे। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन सरी के सारे टॉप बॉलर्स एक के बाद एक अटैक पर लगाए गए थे। बेस बॉल का तोड़ निकालने के लिए बार बार फील्ड सेटिंग बदली जाने लगी। बावजूद इसके पिछले 10 ओवर से कोई विकेट नहीं आया था। जीत का अंतर घटकर 179 रन रह गया था। स्टोक्स और बेन फॉक्स के बीच साझेदारी पनपने लगी थी, तभी श्रेयस अय्यर ने एक जादुई रॉकेट थ्रो से बेन स्टोक्स का रन आउट कर दिया। पारी के 53वें ओवर में और लंच के बाद 10वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर बेन फॉक्स के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद स्क्वायर लेग की ओर लुढ़क गई। फॉक्स और स्टोक्स रन चुराना चाहते थे, लेकिन वो ये भूल गए कि श्रेयस अय्यर मुस्तैद हैं। वो मिड विकेट से दौड़ते आए और एक शानदार पिकअप करते हुए अचूक थ्रो मारा। डायरेक्ट हिट लगते ही भारतीय खेमे में जोश भर गया। थर्ड अंपायर से पूछा गया, टीवी रिप्ले में साफ नजर आया कि स्टोक्स कुछ इंच दूर रह गई। उन्हें 29 गेंद में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। इंग्लैंड का 7वां विकेट गिर चुका था। बेन स्टोक्स के आउट होते ही श्रेयस अय्यर का जश्न देखने लायक था। उंगली दिखाकर उन्होंने न सिर्फ अपने डायरेक्ट हिट को सेलिब्रेट किया बल्कि बेन स्टोक्स से सूद समेत बदला भी ले लिया। दरअसल मैच के दूसरी पारी में श्रेयस अय्यर 52 गेंदों में 29 रन बनाकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए थे। बेन स्टोक्स ने बाउंड्री पर उनका एक शानदार रनिंग कैच लपका था। कैच के बाद उन्होंने उंगली दिखाकर जश्न मनाया। शायद श्रेयस अय्यर ने उसी का बदला लिया होगा। स्टोक्स बड़ी पारी नहीं खेल सके। बड़े से लक्ष्य का पीछा कर रहे इंग्लैंड के लिए आखिरी उम्मीद दिख रहे स्टोक्स रन आउट होने से पहले 29 गेंदों में एक चौके की मदद से 11 रन बना सके थे। बेन स्टोक्स के आउट होते ही पूरी टीम इंडिया में खुशी का माहौल बन गया। इस खुशी का कारण ये भी था कि बेन स्टोक्स ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपने दम पर अकेले ही मैच को बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो अपनी टीम के लिए ज्यादा रन नहीं बना पाए और वहीं से मैच का नक्शा काफी हद तक बदल चुका था। आपको बता दें कि भारतीय टीम की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भारत को आखिरी सफलता दिलाई। बुमराह ने इस मैच की दोनों पारियों में मिलाकर कुल 9 विकेट झटके। मैच की दूसरी पारी में भी बुमराह ने 3 विकेट लिए। दूसरी ओर भारत के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने भी मैच की दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए। इस तरह से भारत ने सीरीज में शानदार वापसी की है। हैदराबाद टेस्ट मैच में मिली हार के बाद भारत के लिए जीत काफी जरूरी थी, जिसे भारत ने विशाखापट्टनम टेस्ट में पूरा कर दिया। तो आप भी श्रेयस अय्यर की इस खतरनाक फील्डिंग पर अपनी राय दीजिए, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।